सबसे पहले एक बलून लेकर उसको फुला लें और उसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से बांध लें। उसके बाद फेविकोल और पानी का एक मिक्सचर बनाएं और उसको उसमें अपने यान को मतलब ऊन को पूरी तरह से डिप कर दें। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस यान को पूरी तरह से डिप होने के बाद एक बलून के ऊपर इस तरह से आप बांधते जाएं। आप चाहे तो जितने चाहे राउंड्स लगा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आपका जो यान है मतलब ऊन है वो पूरी तरह से फेविकोल में डूबा रहे, बिकॉज अगर उसमें फेविकोल नहीं लगा होगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। वो ऊन पूरी तरह से लगने के बाद जो एक्सेस ग्लू है उसे नीचे गिरने दीजिए। यहाँ पे हमें ग्लू थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए हमने और डाला है। उसके बाद इस बलून को किसी ऐसी जगह पे 24 घंटे के लिए हैंग कर दीजिए जहाँ पे इसे हवा लगती रहे। और इसके नीचे एक प्लास्टिक या पेपर लगाना मत भूलिएगा क्योंकि फेविकोल गिरता रहेगा। सूखने के बाद बलून को नीडल की हेल्प से फोड़ दीजिएगा और फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वायर लिए है और होल्डर और बल्ब लगा दिया है। हमने नीचे की साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था जिसके जहाँ से ये लग पाए हैं, और वायर को छुपाने के लिए यहाँ पे हम एक जूट रोप से कवर कर रहे हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे एक ग्लू गन की मदद से हमने उस जूट रोप को स्टिक किया है। हमने सेम प्रोसीजर से एक और कलर का फ्रेम तैयार कर लिया था, उसकी भी वायर हम जूट रोप से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। And they are ready. अब हम इस तरह के एक स्विच की मदद से वायर को इस स्विच में लगा देंगे। कुछ इस तरह के वायर रोकने वाले हुक्स आते हैं जिसकी मदद से आप दीवार पर इसको हैंग कर सकते हैं। And ta-da! Our beautiful lamps are ready!